ये कहानी है वर्ल्ड कप 2023 की, जब भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेलने चेन्नई के चेपॉक मैदान पर उतरती है। वैसे तो इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सबसे फेवरेट टीम मानी जा रही थी, लेकिन जब पहला मुकाबला ही ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत और घमंडी टीम के साथ हो, ऐसे में क्रिकेट पंडितों का एक अलग ग्रुप बनकर तैयार था, जिनका मानना था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच के लिए फेवरेट है और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना भारत के लिए मुश्किल होगी। इस मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम के लिए एक और मुसीबत दस्तक देती है। भारतीय टीम के स्टार ओपनर शुभमन गिल डेंगू का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी गैर मौजूदगी में ईशान किशन को टीम में जगह दी जाती है। हजारों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम इस महामुकाबले के लिए तैयार हो चुका था और दोनों टीम के कप्तान भी टॉस के लिए बीच मैदान पर आ चुके थे। यहां टॉस इस मैच के लिए एक अहम किरदार निभाने वाला था, क्योंकि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना किसी भी टीम के लिए फायदे का सौदा होने वाला था। ऐसे में दोनों टीमों की कप्तान की बस एक ही चाहत थी कि टॉस जीतो और पहले बैटिंग कर बड़े स्कोर खड़ा करो, लेकिन यहां टॉस में बाजी ऑस्ट्रेलिया ने मारी और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया भले ही टॉस हार चुकी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज पूरे जोश के साथ कंगारुओं को टक्कर देने के लिए मैदान पर उतरते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी मिचेल मार्श और डेविड वार्नर को दी जाती है, जहां पारी के तीसरे ओवर में ही बुमराह ने मिचेल मार्श को बूम बूम कर बैंड बजाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेचारा मिचेल मार्श तो अपना खाता भी नहीं खोल पाया, लेकिन अब मैदान पे ऑस्ट्रेलिया का दिल और उनका जान डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। वार्नर और स्मिथ के बीच यहां 70 रनों की पार्टनरशिप बनती है, लेकिन फिर पारी के 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने वार्नर को आउट करके उन्हें आईपीएल की पारी याद दिला दी। यहां से स्मिथ और लबुशांगे ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कंगारुओं के पैर को पूरी तरह से जकड़ करके रखा था। कंगारू बल्लेबाज रन मारने के लिए छटपटा तो रहे थे, पर भारतीय गेंदबाज उन्हें रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे थे, जिसके कारण वर्ल्ड कप का ये वनडे मैच टेस्ट मैच के जैसा प्रतीत होने लगा था। कंगारुओं के बैटिंग का आलम यह हो चुका था कि पिछले 12 ओवर में एक भी बाउंड्री ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज नहीं लगा पाए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से प्रेशर में आ चुकी थी और इसी प्रेशर का फायदा भारतीय गेंदबाजों ने उठाना शुरू किया। 110 पे 3 विकेट खोने के बाद कंगारुओं की टीम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। चेन्नई के चेपॉक में जडेजा का ऐसा जादू चला कि देखते ही देखते जडेजा ने पहले स्मिथ को, फिर लबुशांगे को और फिर कैरी को 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर जडेजा ने मानो कंगारुओं की हड्डियां ही तोड़ डाली। अब जिस टीम की हड्डी ही टूट जाए वो भला क्या लड़ पाएगा। कंगारुओं का घमंड और उनका अकड़ टूट कर निस्ता नाबूद हो चुका था। यहां से जैसे तैसे करके ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी पारी में 199 रन बनाए। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 200 रनों की जरूरत थी। ऐसे में सबको लग रहा था कि भारत इस मैच को आसानी से इस टारगेट को हासिल कर लेगा, लेकिन यहां भारत की शुरुआत बेहद खराब रहती है, जहां महज 2 रनों के स्कोर पर ही भारत अपने मुख्य ऊपरी 3 बल्लेबाजों को खो देता है। लेकिन उम्मीद है कि यहां से विराट कोहली और केएल राहुल भारत को इस मैच में जरूर विजयी बनाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।